तस्मै श्रीगुरवे नमः तस्मै श्रीगुरवे नमः युञ्जन्ेवं सदात्मानं योगी विगतकल्मषः सुखेन ब्रह्मसंस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः यो मां पश्यति सर्व सर्वम च मय पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सचमे न प्रणश्यति सर्वभूतस्थितं यो माम भजते कत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोपी सयोगी मय वर्तते स योगी मई वर्तते भगवान ने उसका नाम दिया प्रशांत मनसम यह आवाज बढ़ाना ये वही योगी है जो आरुरुक्षु था जो योगारूढ़ बन गया जो युक्त बन गया और इसलिए भगवान भाष्यकार ने ब्रह्म भूतम का क्या अर्थ किया जीवन मुक्तम कल इस बात पे चर्चा हुई ब्रह्म भूतम ब्रह्म भूतम मतलब जीवन मुक्तम ये कौन है जीवन मुक्त बोलते हैं जीवन मुक्त व्यक्ति प्रमा से पता लगता है व्यवहार आदि से कहीं से ये पता नहीं लग सकता कि यह व्यक्ति जीवन मुक्त है इसलिए भाष्यकार ने जीवन मुक्त की एक लक्षण क्या दिया ब्रह्म एवं सर्वम इति एवं निश्चयवंतम ब्रह्म भूतम जिसकी बुद्धि में यह प्रमाण जागृत हो गई जिसके ज्ञान में यह निश्चय हो गया कि ब्रह्म एवं सर्वम जो सब कुछ है वह सर्व नहीं है वह ब्रह्म है मतलब सर्व और ब्रह्म समानार्थी पर्यायवाची शब्द है सर्व नाम का कोई अस्तित्व है नहीं जो चारों ओर है वो कौन है वह ब्रह्म है ऐसी जिसकी प्रमा है अब आप देखें इसी पंक्ति को ईशावास्य उपनिषद में भी कहा ईशावास्य मृदगम सर्वम यही ही प्रमाण व्यक्ति को जीवन मुक्त बनाती है कैसे हुआ बोलते हैं इसने रजोगुण को शांत कर लिया तन से जो निषिद्ध आचरण था वह दूर कर लिया मन में जो चंचलता थी मन में जो रजोगुण था वो भी दूर कर लिया तन और मन दोनों की शुद्धि हो गई रजोगुण शांत हो गया सत्व गुण को भी यह पार कर गया और अब जो इसको सुख प्राप्त होता है वेदांत में ऐसे सुख को ब्रह्म सुख कहते हैं कभी कभी इसको आत्मरति शब्द भी कहा गया है और कभी कभी इसी को आत्म क्रीडा शब्द भी कहा गया तो जो ब्रह्म सुख है जो आत्मरति शब्द है जो आत्मक्रीड़ा शब्द है वह एक है एक पक्ष को जरूर जान लीजिए इसको जो सुख प्राप्त हुआ ये अट्ठाईसवा श्लोक देख रहे थे हम लोग सुखम एक बात तो स्पष्ट हो गई कि इतनी सारी जो परमा उसकी बनी इतने दिनों तक वर्षों तक जो साधना की उसका फल उसको एक ही प्राप्त होगा सुखम है ना? उसको सुख प्राप्त हो गया यहां दर्शनों के पक्ष को समझना अति अनिवार्य है वेदांत के अतिरिक्त कोई भी दर्शन ब्रह्म को पाने में सुख को हेतु नहीं मानता ये बात दिमाग में डाल लेनी चाहिए ब्रह्म की प्राप्ति से व्यक्ति को सुख प्राप्त हो जाएगा ये वेदांत दर्शन के अलावा कोई और नहीं मानता क्योंकि उनके दर्शन में सुख का जो हेतु है वह ब्रह्म नहीं है ये अंतर जानना चाहिए अगर उनसे पूछा जावे आपके दर्शन में सुख का हेतु क्या होगा आप किसको कहोगे सुख तो वो तो स्पष्ट कहेंगे मैं शब्द थोड़ा दर्शन के प्रयोग कर रहा हूं इंद्रियों और विषयों के संयोग से सुख उत्पन्न होता है इंद्रिय विषय संयोगात सुख क्या है इंद्रियों के और विषयों के संयोग से जो उत्पन्न होगा वह जो भोग उत्पन्न होगा वही व्यक्ति को सुख देता है तो सुख विषय और इंद्रिय जन्य होगा ये अन्य दर्शनों का कहना है यहां तक कि वह सुख को एक क्रिया जन्य चीज मानते हैं क्रिया का परिणाम सुख है चलो और सरल कह लें क्रिया का परिणाम सुख है आप अच्छे से योगाभ्यास अच्छे से एक्सरसाइज करें व्यक्ति को क्या मिल गया सुख की प्राप्ति हो गई संयम से रहा जाए व्यक्ति को सुख की प्राप्ति हो गई प्रेम से बोला जाए तो सुख की प्राप्ति हो गई अन्य दर्शनों ने सुख का जो हेतु माना वह क्रिया से ही पैदा होता है अच्छा वेदांत क्या कहता है सुख ब्रह्म से है ये क्या बोलते हैं सुख क्रिया से है अच्छा यही नहीं जो समीपस्थ दर्शन है वेदांत के वह है सांख्य दर्शन वह कहता है कि जो सुख का हेतु है वह गुण है और गीता भी ऐसा ही कहती है सत्वम सुखे संजयती रज कर्मणि भारत कहा है सत्वम सुखे संजयती रज कर्मणि भारत तमश्चा विभूय मिलता है श्लोक सत्व गुण के दो लक्षण हैं एक है ज्ञान और एक है सुख तो आप ये बात जो कहते हो कि ब्रह्म से सुख प्राप्त होता है ऐसा करते ही नहीं है क्या कहेंगे यह तो सुख क्रिया और संयोग का परिणाम है ये चर्चा बहुत पहले मैंने रखी थी इसी छठे अध्याय में यदि मन ना होवे तो सुख की बात तो आप भूल जाओ ये दर्शनों का पक्ष है और उसने वेदांत पे आक्षेप किया कि यह भी बता दे रहा हूं अगर मैं अपने मन को हटा लो, तो क्या तुम सुख का अनुभव कर सकते हो स्पष्ट आता है तो मैं सिर्फ आपको एक बस गिनाता चला जा रहा हूं ये ये बिंदु हैं और इन पर चिंतकों ने खूब जबरदस्त विचार किया है वह विषय है ब्रह्म संस्पर्शन किसने कह दिया कि ब्रह्म से सुख प्राप्त होता है अरे वह जो वो जो सुख तुम बात कर रहे हो वो अवस्था जन्य है सुख तो अवस्था का कारण है सुख तो गुण से पैदा हुआ सात्विक गुण से पैदा हुआ प्रातःकाल जब व्यक्ति ज्यादा क्रियाओं का अनुष्ठान नहीं करता शांति से बैठा हुआ है तो वह जो पैदा हुआ सुख वो कौन सा सुख है वह सत्वगुण का सुख है तो इसमें आत्मा का क्या लेना देना और आत्मा को ना जानो तब भी यह सुख पैदा होता है इसलिए इतनी आसान नहीं ये रटना तो आसान है ब्रह्म का सुख प्राप्त होता है बट कभी आपके मन में प्रश्न आ सकता है दूसरा पक्ष ये कह सकता है तो मैं एक ये अवस्था दूसरा क्रिया तीसरा विषय चौथा सत्व ये पूर्व पक्ष है कोई सत्वगुण से मानता है कोई अवस्था से मानता है कोई विषय से मानता है ये सब सुख के हेतु हैं। ठीक है बोले ठीक है बोले सुख तो पैदा हुआ बोले इसीलिए योग सूत्र ने तो उल्टी ही और अच्छी परिभाषा दे दी कल जो मैं कह रहा था अनुकूलम वेदनीयम सुखम अच्छा अनुकूल मतलब ए, अनुकूल मतलब क्या कूल cool मतलब होता है संस्कृत में किनारा कूल cool मतलब किनारा जिस किनारे पर हम खड़े हैं अनुकूल मतलब वो सब चीजें क्या हुई मेरे अनुकूल हुई जैसे कि मुझे यदि दक्षिण भारतीय भोजन पसंद है मेरी अनुकूलता यह है तो मुझे वह सब दक्षिण भारतीय भोजन क्या लगेंगे सब सुखद स्वरूप लगेंगे मुझे उत्तर भारत के भोजन में आनंद है तो उत्तर भारत के जितने व्यंजन होंगे उसमें मुझे क्या मिलेगा सुख मिलेगा तो दक्षिण भारतीय सुख नहीं मिलेगा वो अब उसको क्या कहेंगे प्रतिकूल क्योंकि वो आपके संस्कारों के वो आपकी इच्छाओं के वो आपकी वासनाओं के अनुकूल नहीं है ये अनुकूल शब्द समझना तो वो तो बोलते हैं वेदना वेदना मतलब दुख नहीं जब किसी अनुकूल चीज से मिलते हैं तो एक वेदना एक वृत्ति पैदा होती है वही सुख देती है लेकिन वह वेदना वह वृत्ति पैदा कब होगी जब अनुकूल चीजें हों और प्रतिकूल चीजें होंगी तब उस वृत्ति का उदय नहीं होगा बन गया इसलिए अन्य दर्शनों को इस शब्द पर बहुत ऐतराज है ब्रह्म संस्पर्शम वेदांत कहता है क्योंकि इसको आत्मा की ब्रह्मता का अनुभव हो गया है आत्मा की ब्रह्मता का अनुभव हो गया है इस वाक्य को कहेंगे ब्रह्म संस्पर्शम जब जीव को जीवत्व तो बाधित करके ब्रह्मता का अनुभव हो जावे ये ब्रह्मता का अनुभव मतलब क्या हुआ है? ब्रह्मता मतलब यह हुआ ब्रह्म मतलब क्या होता है व्यापक ब्रहत्वाद ब्रह्म ब्रहत्वाद ब्रह्म अपनी आपता का अनुभव हो जावे यह है। ब्रह्मता सही वाक्य तो यही है ना ना वो तो ठीक है सेल्फ रियलाइजेशन में क्या हुआ अपनी अपरिच्छिता का अनुभव हो जाना अपनी अपरिक्षिणता का अनुभव मतलब क्या हुआ मैं देश में नहीं हूं देश मुझ में है मैं काल में नहीं हूं काल मुझ में है यह इदम में मैं नहीं हूं हां इदम मुझ में है देश अपरिक्षिन्न काल अपरिश्चिन्न वस्तु अपरिक्षिन्न इसी को बोलते हैं परिक्षिन्नता कोई भी चीज लिमिटेड इन्हीं तीन मीडियम से हो सकती है लिमिटेशन इन तीन से ही नापी जा सकती है या तो देश में या तो काल में या तो वस्तु में चौथा आप ढूंढ के बताओ जरा भाई किसी चीज को लिमिटेड करें मैं यहां हूं और मैं अपने कक्ष में नहीं हूं यह कैसी परीक्षणता हुई देश परीक्षिण मैं अभी हूं लेकिन पहले नहीं था काल परीक्षिण हो गया मैं इसमें हूं लेकिन मैं उसमें नहीं हूं कैसी परीक्षिणता हो गई वस्तु तो परीक्षिण जब देश अपरिचिन्न काल अपरिच्छिन्न वस्तु तो अपरिचिन्न का बोध होवे ऐसे बोध को हां ब्रह्मता का अनुभव कहते हैं जब इस ब्रह्मता का अनुभव कहते हैं तो इसी शब्द को कहते हैं ब्रह्म संस्पर्शम स्वयं को जो जीवत्व से अपने आप को एक परिचिण देश और काल और शरीर में मान के रखा था अब उसका बोध जागृत हो गया अब वह अपने आप को व्यापक पाता है शरीर को नहीं जैसे ही आप बोलोगे मैं यहां हूं तो यहां शरीर है तो शरीर से कभी व्यापक नहीं हो सकते वो भगवान ही हो सकते हैं काल में हम कभी व्यापक नहीं हो सकते भगवान ही हो सकते हैं लेकिन आत्म तत्व से हाँ हम देश में भी व्यापक हैं, काल में भी व्यापक हैं, वस्तु में भी व्यापक हैं। तद दूरे तद अवंत के बहुत दूर है वो अरे नहीं 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 तद अवंत के वो बहुत पास में है दोनों अनुभव में देखो आप अज्ञानी के लिए वह आत्म तत्व तो बहुत दूर है ज्ञानी के लिए वह आत्म तत्व तो बहुत पास है तदवंत की तद निजती तूर तद अवंत की तद अंतरस्य सर्वस्य वो अंदर भी है तो एक आदमी कहेगा नहीं वो तो अंदर ही है बाहर तो नहीं है बाहर मूर्ति वाला कहेगा मूर्ति में ही है हमारे अंदर तो नहीं है ईशावास से उपनिषद कहती है तद तदु सर्वस्य वो अंदर भी है वो बाहर भी है वो कहाँ नहीं है वो ये बताओ हाँ गीता में भी आया स्पष्ट हो गया ये पूरी चीज तो ये समझना जरा युजन एवं जन्न एवं तोड़ना एवं मतलब इस प्रकार किस प्रकार यतो, यतो निश्चरती मन्चंचल संतम आत्मसंस्थ मना कृत्वा शनै शनै उपरमेत मिल गया शनै शनै उपरमेत आत्मसंस्तम मना कृत्वा यतो यथो एवं की शब्द की व्याख्या ये सब है एवं शब्द ये सब कह रहा है इस प्रकार और साधक बोलेगा किस प्रकार अरे पहले ही बताया शनि शनै उपरमेत आत्मसंस्थम बना तो एवं न इस प्रकार ऐसा ये देखो भाष्यकार क्या लिखते हैं यथोक्ते न क्रमेण जैसा पहले कहा गया इस क्रम का पालन करते कौन बोले वो योगी योगांतराय वर्जिता ये भगवान ये योगी कौन है बोले अभी अभी तो बकाया था अकलमशम से कलमश निकल गए हैं जिसके जीवन में से रजोगुण निकल गया है ऐसा योगी बिल गया योगी योगांतराय वर्जिता सदा आत्मा विगत कलमश विगत पाप सुखेन अनायासीन वाह देखो बहुत सावधानी से देखना अनायासीन ये बहुत बड़ा शब्द है साधक को आत्मा की ब्रह्मता का अनुभव करने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है ध्यान में इसीलिए साधक में कहीं ना कहीं कर्तृत्व और तो भोक्तृत्व तो शेष रहता है चलो आपसे एक प्रश्न पूछें आपकी बुद्धि विचलनाथम बुद्धि विचलनाथम मनन योगी ना नहीं है। सावधानी से प्रश्न सुनिएगा ये बताइए कि यह जो श्रवण है और मनन है और जो निधिध्यासन है जो आप पढ़ रहे हैं आत्मा वारे व श्रोतव्य मंतव्य जो सुनना है वह श्रोता बन के ही हो सकता है इसमें जिस विषय पर आपको ऑब्जेक्शन हो तुरंत बोलिएगा श्रवण किया श्रवण क्रिया बिना श्रोता बने हो सकती है क्या मनता बने बिना क्या मनन की क्रिया हो सकती है और ध्याता बने क्या निधिध्यासन की क्रिया हो सकती है बोले नहीं हो सकती बहुत सुंदर तो जब हम श्रोता बने हैं और अभी अभी देख लो भाई अपना जब हम श्रोता बने हैं तो क्या हम में श्रोतृत्व तो शेष है या नहीं है श्रोतत्व मतलब कर्तृत्व के ही हिस्से हैं वही कर्ता सुनता है तो श्रोता बन गया वही कर्ता जब मनता मनन करता है तो मनता बन गया तो कर्तृत्व तो शेष है या नहीं बोले शेष है अब ब्रह्म विद्या प्राप्त की गई किससे कर्तृत्व से कर्तृत्व मतलब कर्म से सुनना भी है क्या